दिल्ली एनसीआर में बादलों का मूड खराब, कुदरत ने ले ली तबाही की सुपारी। 3 घंटे की घनघोर बरसात से मचा हाहाकार, फ्लाईओवर बना स्विमिंग पूल, टूटते पहाड़ों से दहशत की बारिश, मैदान से पहाड़ तक पानी ही पानी, कहीं गई जान, कहीं मुसीबत में फंसा इंसान। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं देश तक। इन तस्वीरों में आपने देखा कैसे 3 घंटे की घनघोर बारिश ने दिल्ली एनसीआर की हालत खराब कर रखती है। दिल्ली से पहले बात उससे सटे शहरों की, गाजियाबाद में एक शख्स की मौत हो गई, कहीं सड़क ही 25 फीट तक धंस गई, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सब पानी पानी। वाकई हैरान करने वाला मंजर है। जल प्रलय को किस्से कहानियों में सुना था, अब आंखों से दिखाई भी दे रहा है। दिल्ली और दिल्ली से सटे एनसीआर के तमाम शहरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। सड़क पर पानी, घरों में पानी, फ्लाईओवर पर पानी, स्कूल में पानी, बाजार में पानी, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो या फिर फरीदाबाद, इन सभी शहरों में कुदरत ने मानो आफत की सुपारी ले ली। 3 घंटे की घटाटोप बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दोनों तरफ अगर देखेंगे तो गाड़ियां फंसी हैं और ये 10 किलोमीटर लंबा रूट है और कई घंटे से लोग यहां से फंसे हैं, गाड़ियां रेंग रेंग कर निकल रही है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड स्विमिंग पूल बन गया। तस्वीर ऐसी मानो हवा में कोई स्विमिंग पूल तैर रहा है। नतीजा, कई किलोमीटर लंबा घंटों तक जाम लग गया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में करंट लगने से 34 साल के शख्स की मौत हो गई। सरोज कांड अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर घर आ रहे थे कि खुले में पड़े तारों पर पैर पड़ गया। वहीं वसुंधरा सेक्टर 4 में एक सड़क करीब 25 फीट धस गई। लोगों के पास दहशत में आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये वो डेंजरस नजारा है, जो पूरा रोड जो है वो धस गई है। तकरीबन 20-30 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। रोड के बीच में पाइप नजर आ रहे हैं, पाइप से पानी निकल रहा है, तारे नजर आ रही हैं। मैं लेफ्ट साइड पर प्रज्ञा कुंज है अपार्टमेंट, वहां कुछ फ्लैट्स को खाली करा लिया गया। जहां मैं खड़ा हूं यहां 64 फ्लैट्स को खाली करा लिया गया। गाजियाबाद के अलावा दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद का जलमग्न हाल देखिए। सालों से ऐसी बारिश का सामना नहीं हुआ, जब हुआ तो कुछ ही घंटों में पानी के साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। मौसम विभाग ने 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। सैलाब के तांडव से परेशान इंसान बस यही गुहार लगा रहा है, रहम रहम रहम। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, मयंक गौड़ और अंकित यादव के साथ चिराग गोठी, गाजियाबाद आज तक। दिल्ली दरिया दिल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन दरिया जरूर है। 3 घंटे की बारिश क्या हुई, दिल्ली बर्दाश्त नहीं कर पाई। जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हो गए, बच्चों को स्कूल जाने में मुसीबत हुई, तो दफ्तर जाने वाले जो लोग थे वो भी परेशान रहे। बादलों ने दिल से जरा जमकर बारिश क्या कर दी, दिल्ली तो पानी पानी हो गई। 2 करोड़ की आबादी वाली वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली जगह जगह घुटनों तक डूबकर कुदरत से रहम की भीख मांगने लगी। कहीं जल जमाव तो कहीं ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार ने राजधानी में व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। दिल्ली की इन 5 तस्वीरों को देखिए। दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम, दिल्ली पूरी तरह पानी पानी। करीब 3 घंटे की बारिश और जल जमाव से ठहर गई राजधानी। परेशानी इसलिए ज्यादा बढ़ी क्योंकि बादलों ने स्कूल और दफ्तर जाने के वक्त ही दिल्ली पर अपनी दरिया दिली दिखा दी। बच्चे परेशान, काम पर निकलने वाले परेशान। ये समस्या आज की नहीं है, हर टाइम की है। आधे घंटे बारिश पड़ती है और ये विकास मार्ग पूरा पानी से भर जाता है। तो यहाँ पानी भर जाता है रोज और बहुत मुश्किलों से जाना पड़ता है रोड बंद कर। जो ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमान है वो रेन कोट और बाकी चीज़ें पहन के मुस्तैद रहते हैं, हमारी जो मोटरसाइकिल्स हैं वो भी होती हैं और कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को ईज आउट किया जाए, रेगुलेट किया जाए। बादलों से गिरी बारिश की बूंदों ने सियासत दानों को भी नहीं बख्शा। संसद भवन पहुंचे सांसद भी छाते की पनाह में दिखे। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और बाहर जो है वो बारिश हो रही है और आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जितने तमाम सिक्योरिटी के इंचार्जेस हैं और जितने यहाँ पर जितने सांसद हैं वो सब छतरियाँ लेकर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि मौजूदा हालात से तो ये राजधानी नहीं जंगली इलाका लगता है। जल जमाव और जाम से बुरा हाल, चंद घंटों की बरसात से ही दिल्ली का बार बार परेशान होना नई बात नहीं है, लेकिन हैरानी ये है कि इससे निजात के तमाम उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। दीपक डालमिया, फरीद अली और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली एनसीआर से अलग पहाड़ों की ओर आपको लिए चलते हैं, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां कई जगहों पर भूस्खलन से दहशत की बारिश हो रही है। दूसरे मैदानी राज्यों में भी मौसम जमकर मनमानी कर रहा है। कुदरत की तबाही क्या होती है, इससे अधिक सबूत की शायद किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पहाड़ों पर भी आसमान से जमकर आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में तो पहाड़ों से ही सड़क पर सैलाब फूट पड़ा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से दहशत मच गई। चकराता में तो भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया। टिहरी में ऐसी बारिश हुई कि पूरी सड़क ही धंस गई। उत्तराखंड के ही चमोली में लगातार बारिश से जमीन दरकने लगी, पहाड़ खिसकने लगे। कुदरती आफत ने मैदानी इलाकों को भी नहीं बख्शा है। एमपी के झाबुआ में मूसलाधार बारिश से मुसीबत भी जमकर बरसी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के मैदानी इलाकों का मंजर भी कम डरावना नहीं है। लगातार घंटों की बारिश से जगह जगह पानी भर गया, जिससे हर किसी को परेशानी के भंवर से होकर गुजरना पड़ा है। हिमाचल में सोलन के एक नाले में अचानक ऐसा सैलाब आया कि वहां मौजूद दो गायों को बचने का मौका ही नहीं मिला। एक के बाद एक दो गाय प्रचंड वेग की धारा में बह गई। खतरा यह है कि मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल वार्निंग हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है, जहां की हमने अगले 24 से 48 घंटों के लिए ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में वक्त सावधान रहने का है, वरना कुदरत का खराब मिजाज चट दबोच लेगा। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। रुख महाराष्ट्र का करते हैं, जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चौथे दिन भी आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने अंदाज में जगह जगह प्रदर्शन किया। वैसे आज आंदोलन हिंसक नहीं रहा, लेकिन आंदोलन की जलती लौ को देखते हुए सीएम फडणवीस ने आज रात 9 बजे बीजेपी के मंत्रियों की बैठक बुलाई। ये मराठा आरक्षण के शोले हैं जो शोलापुर में आज भी धधक रहे हैं। आंदोलनकारियों ने बीच सड़क टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। हालात ऐसे बन गए कि सरकारी बसें बस डिपो में ही बंधक नजर आईं। मराठा आंदोलन के गुस्से का ये सिलसिला नई किश्त के तौर पर चंद दिनों पहले ही शुरू हुआ था। औरंगाबाद से आई मंगलवार की इन तस्वीरों को देख लीजिए। पत्थर बरस रहे हैं, डंडे गिर रहे हैं। मराठा आंदोलनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस वालों पर टूट पड़े। सैकड़ों की तादाद में होने के बावजूद पुलिस वाले भाग खड़े हुए। वैसे गुस्से का गुबार पहले की तुलना में जरूर शांत हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग शहरों में आरक्षण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। औरंगाबाद में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर शिवाजी की प्रतिमा के 101 चक्कर लगाए, तो पुणे में रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों ने अड्डा जमा लिया। वहीं नवी मुंबई में गुस्से का गुबार थमता नजर आया। हिंसक प्रदर्शन के बाद जिंदगी आज पटरी पर दौड़ती दिखी। आज हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रदक्षिणा मार के हम उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो जल्द से जल्द हमारे आरक्षण की मांग पूरी करे। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फडणवीस सरकार को 9 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। साफ कह दिया गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो उनकी नींद खराब कर देंगे। इस बीच शिवसेना और एनसीपी के दो विधायकों के इस्तीफे ने आग में घी का काम किया है। मैंने उद्धव साहब को मैंने इन्फॉर्म किया है कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं, क्योंकि सिचुएशन बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन हो चुकी है, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं। ये मैंने उद्धव साहब को बोल दिया।
मराठा आरक्षण का मुद्दा पहली बार 1980 में उछला था। कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग वक्त में इसे हथियार बनाया, लेकिन अब ये फडणवीस सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका है। शोलापुर से सीमा पाटिल के साथ मयूरेश, मुंबई आज तक। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर पहली बार में किसी को विश्वास ही नहीं होता है। देश की राजधानी दिल्ली और वहां पर भूख से 3 बच्चियों की मौत। बहरहाल जिस पर सबको शर्मिंदा होना चाहिए उस पर सियासत हो रही है। आठ साल की शिखा, 4 साल की मानसी और 2 साल की फारूल को अब ना तो केजरीवाल के घर घर राशन वाली योजना की दरकार है और ना ही मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत, क्योंकि अब ना तो इन्हें अनाज चाहिए ना इलाज, क्योंकि जो जिंदा नहीं है उन्हें जिंदगी बचाने वाले दाना दवा की क्या जरूरत, और जब मौत ही भूख से हुई हो तो फिर अनाज इलाज के क्या मायने। पोस्टमार्टम करा तो कंफर्म हो गया कि ये लड़कियों ने शायद 8 दिन से या कुछ खाना ही नहीं खाया था। दिल्ली के मंडावली इलाके की ये 3 बच्चियां भूख से तड़प तड़प कर मर गई। ये हमारा आकलन नहीं बल्कि उन डॉक्टरों का कहना है जिन्होंने शिखा, मानसी और पारुल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया। खुद डॉक्टर कह रही हैं कि बच्चियों के पेट में अनाज का एक दाना नहीं था। 3 बच्चियों की भूख से मौत का सवाल है, इसलिए मासूमों के दम तोड़ जाने के बाद नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इसको ब्लेम गेम ना भी करना चाहूं तो भी मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलूंगा, भैया स्टेट की जो जिम्मेदारियां उसको पूरी करो। 3 बच्चियों का खाने के बिना मौत। बच्ची स्कूल जाती थी, जो सबसे बड़ी बच्ची है वो, उसको स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता था क्या, जो कुपोषण से और भूख की वजह से मृत्यु हो गई। तीसरा सबसे बड़ी बात ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी आम आदमी कैंटीन कहाँ चली गई। अब तक की मेडिकल रिपोर्ट से साफ लग रहा है कि बच्चियों की मौत भूख से हुई है, लेकिन कोई भी सरकार इस सच को मानती कहाँ है। बात मानने में थोड़ी अजीब लगती है कि दिल्ली के अंदर आस पड़ोस के अंदर बच्चे भूखे हों और किसी अड़ोस पड़ोस ने खाने की मदद उनकी ना दी हो। भूख से मौत का ये मामला संसद में भी उठा है, लेकिन अब बहस से क्या हासिल होने वाला है। आम आदमी के हक की बात करने वाले केजरीवाल एक रिक्शा चलाने वाले की 3 बेटियों का पेट नहीं भर पाए, किसी भी सरकार के लिए ये शर्म की बात है। चिराग कोठी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। सरकार के साथ समाज के लिए भी शर्म की बात है। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर की बेटियों को इंसाफ दिलाएगी सीबीआई। अब बिहार के मुजफ्फरपुर कांड पर नीतीश सरकार ने आखिरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। विपक्ष की लगातार मांग और हर रोज नए खुलासे के बाद बिहार सरकार ने यह कदम उठाया। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस थमा दिया है और 2 हफ्ते में इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। महापाप मुजफ्फरपुर में हुआ और बवाल 70 किलोमीटर दूर पटना में मच गया। सड़क से लेकर विधानसभा तक विपक्ष ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड ने सुशासन बाबू के नाक में दम कर दिया। हर रोज नए खुलासे और नए आरोप से तंग आकर आखिरकार नीतीश सरकार ने इस कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश कर डाली। विपक्ष का मुंह अपने काला है, सरकार पूरी तरह पारदर्शी के साथ चलती है, उसकी मांग थी, विश्वास नहीं था, अब पकड़ाएंगे उसी के लोग, अब पता लगेगा। लेकिन आरजेडी इससे संतुष्ट नहीं है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो। तेजस्वी यादव इस मामले में नीतीश के मंत्री मंजू वर्मा के पति पर भी संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। उनका भी नाम आ रहा है, और जब नीतीश जी को जब बचना होता है तो किसी ना किसी को मोहरा बनाने का काम वो करा करते हैं। तो ये तो जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होती है, तो मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच का ये मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। एक जनहित याचिका के तहत इस मामले की 6 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी को इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तेजस्वी के आरोपों को नीतीश सरकार में मंत्री मंजू वर्मा ने खारिज करते हुए जाति का काट चल दिया।
वो क्या कह रहे हैं इस पर मैं कुछ नहीं जवाब दे सकती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि सीबीआई का वो मांग कर रहे थे, अगर सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई जो जांच का रिपोर्ट सौंपेगा उन पर तो उनको विश्वास होगा और उस पर हमें भी विश्वास है। 29 बच्चियों से रेप के मामले में मंजू वर्मा के पति का नाम सामने आने से मामला गर्मा गया है। अब सीबीआई की जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा, लेकिन तब तक बिहार की सियासत का पारा गर्म रहेगा। सुजीत झा, पटना, आज तक। ये बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है उन बच्चियों की और मामले में त्वरित कार्रवाई, जल्दी सजा की जरूरत है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप बेशक मंत्री नहीं है लेकिन खबरों में उनकी मौजूदगी बनी ही रहती है। पटना में एक साइकिल रैली का आयोजन था, उस दौरान उनकी टक्कर सुरक्षा काफिले से हो गई जिससे वो सड़क पर जा गिरे, उन्हें चोट भी आई। दरअसल 28 जुलाई से एनडीए भगाओ बेटी बचाओ के नाम से आरजेडी साइकिल मार्च का आयोजन कर रही है। इसी मार्च के लिए तेज प्रताप ने पटना के बोरिंग रोड से लालू राबड़ी आवास तक जागरूकता फैलाने को लेकर साइकिल रैली निकाली थी। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन भारत से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए भारत तक। ब्रेक के बाद खेल की खबरें विक्रांत गुप्ता के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।